वर्कर जिंदा है, खान साहब को कोई मदद नहीं कर सकता, पहले हमें अरेस्ट करेंगे, इन वर्करों को अरेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी कानून है, तो हुक्मनामा भी जारी हो गया, अभी इलेक्शन हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये होते अटकने जो वफाकी हुकूमत बना रही है बार बार, आज जमान पाक के अंदर आप पूरे पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? देखिए, पीडीएम ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो पूरी पाकिस्तान की कौम उस पे खराज तस्लीम पेश करती है, लेकिन पीडीएम को मंजूर नहीं है। पीडीएम चाहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, लेकिन मेरा खान, मेरी आवाम चाहती है कि ये इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, और जो भी जीतता है उसको इख्तदार देना चाहिए, और अगर ये जीते हैं, जीत कर चले ले जाएं, तो इनको हम खराज तस्लीम पेश करेंगे। लेकिन मेरा ईमान है कि इस टाइम पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम खान अमरान खान के साथ खड़े हैं, पीडीआई के साथ खड़े हैं, पहले हमें अरेस्ट करेंगे। ये जितनी अवाम खड़ी है, ये पहले अरेस्ट होगी, फिर खान साहब पे कोई हाथ डालेगा, इंशाल्लाह ताला हम अपना आखिरी खून का कतरा खान साहब के लिए पेश करेंगे। जैसा कि उम्मीदवार है पीपी 123 के तोबा से राणा शफीक साहब, उनका ये कहना भी है कि ऐसी पुलिस जब भी तय करेगी हमारी जानों का नजराना हाजिर है। इमरान खान एक मुल्क का फर्ज वजीर आजम है जो गरीबों की बात है, और इंशाल्लाह जो इलेक्शन आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और आइन के मुताबिक ये इलेक्शन भी होकर रहेंगे, और इमरान खान के लिए जान भी हमारी हाजिर है। इमरान खान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इमरान खान एक बाघ पाकिस्तान के अंदर जो किरण है, जो अवाम की आवाज बन के उभरे हैं, और कायदे आजम के बाद अगर कोई पाकिस्तान में लीडर आया है तो वो सिर्फ इमरान खान है। जी जी, मैं मुतमिन होया जरा, हुकुम गेट वे सी जमान पार्क का गेट सी। चलो जी, हम लोग ऑफिशियल पेज से लाइव हैं, राणा शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दे रहे हैं, क्या कहते हैं सर, आज सुबह पुलिस आई थी गिरफ्तारी के लिए? देखिए, सुबह जब पुलिस आई तो मैं पीरमाल में था, मैं 1.25 घंटे में पीरमाल से यहाँ पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खान साहब की दिफा के लिए आए हैं, और हमने सोचा था कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हजारों की तादाद में लोग ऑलरेडी यहाँ थे, और मैं समझता हूँ कि पुलिस को वापस जाना पड़ा, और ये आज पूरी रात हम ड्यूटी देंगे जब तक ये खान साहब का केस जमानत नहीं हो जाती, हम सब ड्यूटी देंगे, क्योंकि ये पीडीएम की हुकूमत किसी तरह इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहती है, जो कि मैं कहता हूं कि हमें हमारी आवाम को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इस पीडीएम की हुकूमत ने ये कब्जा ग्रुप है, इसने जिस तरह महंगाई की है, गरीब आदमी पिस गया है और जीना मुश्किल हो गया है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे कोई उस वक्त तक अमन नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। हमारी दुआ है कि या अल्लाह जल्दी इलेक्शन करा और जो जीता है उसको इख्तदार दिया जाए। मैं समझता हूँ इस टाइम एक ही हकदार है इख्तदार का, वो है इमरान खान और पीटीआई, और इंशाल्लाह ताला वही कामयाब होंगे, वही पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, वही पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। सर ये पहले की निस्बत यहाँ इतने सारे पब्लिक कभी मस्जिद कारकुन इतनी हजारों की तादाद में जमा है, तो आप क्या कहते हैं, आपका पहले से सपोर्ट रहा है कैंप्स के लिए, तो अभी आपका आप क्या कहते हैं इतने सारे पब्लिक को किस तरह यूटिलाइज करेंगे? देखें, आज भी हमने यहाँ खाना भी तकसीम किया है, और पहले भी हम नाश्ता भी दे रहे थे, खाना भी दे रहे थे, और जितनी हमारे में सलाहियत है, जो हमारे पास वसाइल है, हम इनको एंटरटेन करेंगे, और जब तक ये खान साहब हमें हुक्म देंगे हम इन सबको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये हजारों की तादाद में लोग हैं, हमारे जैसे कई ऐसे लीडर हैं जो इनको एंटरटेन
कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक खान साहब हम हैं तो उस वक्त तक खान साहब का कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। जी सर, सर लाहौर और उसके मज़ाफ़ात के शहर में जितने कारकुन हैं उनके लिए आपका मैसेज? मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लाहौरियों को जो उस एक काल पे, और मीडिया को खासकर जिन्होंने ये खबर चलाई और हम कहाँ से भागे हुए आए और पूरा लाहौर आ गया और जो नजदीक के लोग से पहुंच गए, और ये जब भी जरूरत पड़ती है लाहौर सबसे पहले आता है। मैं अवाम को, खासकर लाहौर के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी रहीम भी हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद हैं, तकरीबन बहुत सारे महीने से ऊपर हो गए वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो रहीम साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अरमान कि आपने हमारे न्यूज लेने की कोशिश की। और जैसे राना मोहम्मद शफी खान साहब हमारे साथ हैं, मैं बताते चलूँ कि इनके हवाले से बता दो, ये सिर्फ ट्रेडर्स विंग पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जो अपने हल्के के आवाम के हिसाब से और पूरे लाहौर के लिए जो खिदमत है इनके, स्पेशल ट्रेडर विंग के नाम पे जो इनका लंगर चलता है, मतलब नाश्ते का, लंच का, उसके अलावा भी जो मतलब यहाँ ये कर रहे हैं आवाम के लिए, जो टाइगर से अहदेदार जो भी यहाँ आते हैं बिला किसी मतलब किसी हल्के और उससे बालतर हो के जिस तरीके से खिदमत करते हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं। और दूसरी बात ये हमें कोट करते हैं, जो मैं सलाम उनको भी पेश करता हूँ जो हमारे कैंप्स में हमारे साथ के पी और गिलगित बल्तिस्तान के हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है। किसी भी कॉल के ऊपर यहाँ कोई हो ना हो वो दूसरे मिनट को ऊपर सारे मोर्चे सारे गेट्स को संभालते हैं। हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, एक बार फिर हम शफीक साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से लोग को यहाँ का मनसेट करते हैं, इस समय जो भी लोग कहते हैं हम सब उनका सबका मशहूर है। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ अहमद है यहाँ पे, अहमद क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। जी हम इमरान खान के सपोर्टर हैं जी, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन कारकुनों की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद आज यहाँ पे जमा हुई है।